کی قسم جو عاشق غریب نواز ہے کہے اٹھیں گے کہ مجید بھائی حق بات ہو گئی توجہ تجلی نام خواجہ اے تجلی نام خواجہ لبوں میں شہد میرے گھولتا ہے اے لبوں میں شہد میرے گھولتا ہے مجب ہوں جلوہ جانا میں گم ہوں مجب ہوں جلوہ جانا میں گم ہوں دل دیوانا خواجہ بولتا ہے میرا دل خواجہ خواجہ بولتا ہے اپنے بزرگوں کی کچھ نشانی دے رہا ہوں میرو دل دل صرف میرا ہی نہیں سب کو دل یہ سب کا دل دل ان کا دل دل ان کا دل ان کا دل ان کا دل میرا دل سب کا دل سب کا دل خواجہ خواجہ بولتا ہے
करम किया था करम किया है करम करेंगे यही अदा है करम करेंगे यही अदा है करम करेंगे यही अदा है करम किया है करम करेंगे यही अदा है करम करेंगे यही अदा है करम करेंगे यही अदा है अदा ही उन नरगिन देता है अदा ही उन नरगिन देता है मेरा दिल ख्वाजा ख्वाजा बोलता है मगर क्यों बोलता है क्योंकि महीना रजब का आ गया है महीना रजब का आ गया है महीना रजब का आ गया है सुरूर मस्ती चहार सू है खुदा का एहसान इसको कहिए नसीब से मिल गया दफीना नसीब से मिल गया दफीना नसीब से मिल गया दफीना सरवरे काना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक दिन मलूलियत के कुछ इम्कानात गुजर गए और जैसे इम्कानात गुजरे तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया के जिब्राइल जाके पूछो कि चेहरे पर ये मलूलियत के इम्कानात हाव भाव क्यों नजर आ रहे हैं मेरे महबूब के जाओ जिब्राइल पूछो क्योंकि रब्बुल आलमीन एक पल भी अपने महबूब की जरा सी भी चेहरे पे शिकन को बर्दाश्त नहीं करता था तो पूछता है जाओ जिब्राइल पूछो क्या बात है मेरे महबूब पर ये अलामत का मामला क्यों आया पेश तो जिब्राइल ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बात है ये इम्कानात चेहरे पर क्यों आई ये मलूलियत क्यों आई आपके चेहरे पर तो मेरे नबी फरमाने लगे कि दुनिया से मेरे रुखसती के बाद मेरी उम्मत का पुरसाने हाल कौन होगा अल्लाह अकबर पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती और दुनिया के रुखसती के बाद भी ये ख्याल कि मेरे उम्मत का ख्याल कौन रखेगा उम्मत का क्या होगा रब्बुल आलमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए खबर दे रहा है कि जिब्राइल जाकर कह दो मेरे महबूब से मेरे नबी से कि मैं तुम्हारी उम्मत में ऐसे ऐसे वली पैदा करूंगा कि एक वली पूरी उम्मत को बख्शवाने का हौसला रखेगा तो मेरा